नमस्कार, मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम, कक्षा 8 पाठ 8 उठो पार्थ खांडिल संभालो समझाऊंगी। उनके लेखक है अयोध्यानाथ शर्मा। इस एकांकी में महाभारत युद्ध के कारणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में नहीं। सच्चे वीर कभी भी फल की कामना नहीं करते। उपदेश के अंत में अर्जुन कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। ये उस समय का एकांकी का सार है जब महाभारत का युद्ध था, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने सामने की सेना में अपने ही प्रियजनों को देखते हैं और गांडी डाल देते हैं। तब अर्जुन कृष्ण के सामने कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब कृष्ण उनके सारथी के रूप में बोलते हैं कि ये कर्म का भाई बंधु सब अपने हैं, लेकिन कर्म करो, कर्म का फल की प्राप्ति की इच्छा मत करो। तब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, दृष्टिकेतु, अभिमन्यु जैसे अनेक महारथी हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि अनेक वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं, उसी के साथ अनेक शंख, ढोल तथा मृदंग बज उठते हैं। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, उधर अन्य महारथियों ने भी अलग अलग शंख बजाए, जिनका घोष आकाश में गूंज उठा, यानी उनकी जो आवाज़ थी शंखों की वो पूरे आकाश को में गूंज उठी। उधर उसी समय श्वेत घोड़ों से युक्त एक रथ में अर्जुन आते दिखाई देते हैं, और रथ के साथ ही श्री कृष्ण है। अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद होते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, बंधु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं देख लूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। तब कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा। और रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के वीरों को देख सकते। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तब अर्जुन कहते हैं शत्रु पक्ष को देख, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और मामा शल्य, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों को ही मारना पड़ेगा। इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। तो कृष्ण इस पर तदते हैं, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे, दुर्योधन उनके साथियों ने युद्ध करने के लिए तुम्हें बाध्य किया है, यानी विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तब अर्जुन वापस बोलते हैं, धनुष बाण नीचे रख देते हैं और कहते हैं, याज्ञवल्क्य मैं युद्ध नहीं करूँगा, यानी कृष्ण को संबोधित कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस स्वजन समुदाय को देख कर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मैं गांडी उठाने में असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, इन स्वजनों को मारकर मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहता हूँ। इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं ये गांडी उठाने, यानी धनुष बाण उठाने में असमर्थ हूँ, अब मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मुझे तीनों लोगों का राज्य चाहिए। तब से कृष्ण कहते हैं कि वीर अर्जुन, तुम आज कैसे कायरों की सी बात कर रहे हो, तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ है। हे परंताप, हृदय की दुर्बलता और भांति भांति की शंकाओं को त्याग कर युद्ध करो। तब कृष्ण युद्ध करने के लिए वापस उनको कहते हैं कि जो शंकाएं मन में हैं उसको दूर करो और इनसे युद्ध करो। फिर भी अर्जुन कहते हैं, भगवान मुझे युद्ध के लिए विवश न करें, मैं आचार्य द्रोण अब पितामह भीष्म के शरीर को अपने बाणों से किस प्रकार भिन्न कर सकता हूँ, यानी उनको किस प्रकार छिन्न कर सकता हूँ, उनको नहीं मार सकता, अपने ही संबंधियों पर किस प्रकार शस्त्र उठा सकूँगा,
अपने अपने संबंधियों के ऊपर शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन मना करते हैं। तब श्री कृष्ण वापस अर्जुन को समझाते हैं, यह वीर धर्म नहीं है अर्जुन, जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं उनका विनाश करना ही वीर धर्म है। जो क्षत्रिय नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है और आने वाले संतति कहते हैं कि अर्जुन कायर था, उसके पाप को बढ़ावा दिया है। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो वो क्षत्रिय नहीं कहलाता है जो अपनी वीर धर्म को छोड़ देता है, उनके विनाश की तरफ जाता है और आगे वाली पीढ़ी आने वाले जो संतान होगी वो अर्जुन को कायर कहेगी और पाप को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो भी अर्जुन कहते हैं यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान। तो श्री कृष्ण कहते हैं वीर पुरुष हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते, युद्ध उनका धर्म है, धर्म पालन में फिर चाहे हार या जीत। क्या तुम नहीं चाहते जानते कि युद्ध में वीर गति करने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। तो कृष्ण कहते हैं इसमें हार जीत की कल्पना तुम्हारे मन में कैसे आई। जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं, यानी स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं क्या बंधु बांधव को मारना भी आप कर्तव्य समझते हैं। तब से कृष्ण कहते हैं अर्जुन मोह छोड़कर विवेक के साथ विचार करो, तुम बंधु बांधव किसे कहते हो। शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षाग्र, अपना उसका अपने माता पिता पर आतंक, प्रजा पर अत्याचार और अंत में शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या ये सब भूल जाओगे। सच्चे साथी धर्मराज युधिष्ठिर और बहन द्रौपदी को जो वचन तुमने दिए है उनका ध्यान न कर उन्हें धोखा दोगे। इस तरह से कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं बंधुवर ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं, फिर भी इस ना कह के रुक जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ये संदेह करने का स्थान नहीं है अर्जुन, मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पर धारण कर लेता है उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसी दशा में युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तब अर्जुन कहते हैं किंतु जनार्दन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इतना रक्तपात करने की अपेक्षा में संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं। युद्ध तो बहुत ही भीषण कर्म है, आप मुझे इसकी प्रेरणा क्यों दे रहे हैं। तब से कृष्ण कहते हैं तुम संन्यास का अर्थ नहीं जानते अर्जुन, कर्तव्य कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है किंतु अपने किसी भी कर्म के लिए फल की इच्छा नहीं करता। अपने कर्तव्य का पालन करना ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्तव्य पालन नहीं करता वह न धर्म का रहस्य जान सकता है और न ही ईश्वर को पा सकता है। तब अर्जुन कहते हैं हे देव आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया है और अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाई और कान तक खींच कर उसे छोड़ दिया। उसके टंकार से युद्ध भूमि में गुरनाद छा गया और चारों ओर फिर शंख ध्वनि होने लगी, युद्ध के नगाड़े बज उठे। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाया और अपने प्रियजनों का मोह छुड़वाया। थैंक यू।